तो गाइस सैमसंग 21 जुलाई को गैलेक्सी M21 के 2021 एडिशन को ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है और यहाँ पर हमें इसमें कुछ अपग्रेड्स के साथ में एक न्यू डिजाइन देखने को मिल जाती है। तो यार यह स्मार्टफोन इसकी प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स वाला स्मार्टफोन हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 के 2021 एडिशन की सभी डिटेल्स के बारे में। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही टेक वीडियोज मिलते रहें। गाइस सैमसंग लास्ट ईयर मार्च में गैलेक्सी M21 को लेकर के आया था, जिसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में 6000 mAh की बड़ी बैटरी और कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो अभी सैमसंग अमेजोन के साथ में मिलकर के इसके 2021 एडिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसमें हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि इन्फिनिटी यू नोच के साथ आती है और इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो यार सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले सबसे बेस्ट डिस्प्ले होती हैं और इनमें हमें नेचुरल कलर्स के साथ में डीप ब्लैक देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी पावर एफिशिएंट भी होती हैं, जिसके चलते स्मार्टफोन्स में काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो अभी डिस्प्ले के बाद इसके कैमराज के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इसके कैमराज के हार्डवेयर और डिज़ाइन दोनों में ही इम्प्रूवमेंट किया गया है। यह स्मार्टफोन रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप साथ आता है, जिनमें 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है और यह फ्रंट में 20 MP के सेल्फी कैमरा के साथ आता है। तो यहाँ पर सैमसंग ने इसके कैमरा सेंसर में इम्प्रूवमेंट किया है और इसमें ISOCELL का GM2 सेंसर दिया है, तो इसके कैमराज की इमेज और वीडियो क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। वहीं अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो इसमें Exynos का 9611 प्रोसेसर दिया गया है। तो यार ये 15,000 से कम प्राइस वाले स्मार्टफोन्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हो जाता है, तो इसमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और इस प्रोसेसर के साथ में आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके चलते इसमें 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इजीली देखने को मिल जाता है और यह 15 W के USB Type-C वाले चार्जर के साथ आता है। इसके अलावा गाइस इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm ऑडियो पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0 और एंड्रॉइड 11 के साथ में One UI 3.1 का लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो इसके बेस वेरिएंट यानी कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 13,500 के अराउंड देखने को मिल जाएगा और यह 21 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। तो गाइस ये थी सैमसंग के न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी M21 के 2021 एडिशन की सभी डिटेल्स। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही टेक वीडियोज मिलते रहें। हम मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।